बुधवार का दिन धरना और प्रदर्शन के नाम रहा। समाजवादी पार्टी, व्यापारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन सौंपे गए। नमस्कार, मैं अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले बात सपाइयों की। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती के विरोध में बुधवार को सपा के जिला संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के गेट पर सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। कलेक्ट्रेट का गेट बंद करने पर सपाइयों ने नाराजगी जताई। जिला संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात करी। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर अपनी चिंता जाहिर करी। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कटौती से किसानों को हो रहे नुकसानों के बारे में डीएम को जानकारी दी। सपाइयों ने तहसील में रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने का मामला भी डीएम के सामने उठाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, जिला महासचिव योगेश यादव, भुवनेश यादव आदि मौजूद रहे। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी डीएम साहब से मिला है पूरा शिष्टमंडल। हमने मात्र संगठन के लोग बुलाए थे, बाकी जनप्रतिनिधि आज नहीं बुलाए थे। ज्ञापन देना था, उस ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, डकैती जैसी जो वारदातें बरेली जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में हो रही हैं, इस पे अंकुश लगे। नाइट बाजार के विरोध में डीएम से मिले व्यापारी। बरेली मर्चेंट एसोसिएशन ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। संरक्षक जफर बेग ने कहा कि शाहदाना से शामगंज चौराहे के बीच ट्रैफिक व्यवस्था पुल बनने के बाद भी ध्वस्त है। बड़ी संख्या में चौराहों पर ई रिक्शे खड़े रहते हैं, इससे व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी होती है। उन्होंने ई रिक्शाओं को पुल के ऊपर डाइवर्ट कराने की मांग करी। बताया कि पुल के नीचे नगर निगम नाइट बाजार लगवाने की योजना बना रहा है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक स्थानीय व्यापारियों की दुकानें खुली रहती हैं। रात को माल अनलोड होता है। नाइट बाजार लगने से दुकानदारों को बड़ी समस्या होगी, पार्किंग को लेकर भी दिक्कत आएगी। वहीं सिंगल रोड पर ट्रैफिक होने के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। संगठन ने रोड का निर्माण जल्द करवाने की मांग करी। इस दौरान अध्यक्ष राजीव एरन, कैसर रजा, निसार अहमद आदि मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। आंगनबाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन दिए जाने की मांग करी। उन्होंने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम वर्कर मानते हुए सभी सुविधाएं देने की मांग करी। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मांगे तो सर बहुत सारी लंबित पड़ी हुई हैं और काफ़ी दिनों से हम लोग एक ही मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं जिनको रिटायर किया जा रहा है, उनको सरकार बिना पेंशन, बिना फंड कुछ दिए कटोरा हाथ में पकड़ा के उनको रिटायर कर रही है। एक एक करके हर महीना रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं। ये मांग हमारी काफ़ी पुरानी है और अभी सेकेंड नंबर की मांग हमारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि आंगनबाड़ी पार्ट टाइम वर्कर ना होकर फुल टाइम वर्कर है, उसको वेतन भत्ते मतलब फंड पेंशन सारा कुछ दिया जाए, वो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा लागू करें। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।